हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2 सो 7.2 में हमारे पास सेक्शन फार्मूला और मिड मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो था उसके क्वेश्चंस आएंगे एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ माइनस वन एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3 डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा मान लो ये दो पॉइंट्स ले लिए हमने ठीक है लेट्स कॉल दिस ए पॉइंट एंड ये हो गया माइनस वन सेवन बी पॉइंट हमारा इसको कॉर्डिनेट्स ले लेते हैं हम फोर और माइनस थ्री अब बोला है कोई एक कोई पॉइंट है लेट्स सपोज पी पॉइंट है ये कट कर रहा है इसको टू इज टू थ्री के रेशियो में ठीक है हमें इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बहुत आसान है डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगेगा निकल जाएंगे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारा क्या फॉर्मूला होता है बच्चे एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू ठीक है ये एक्स वाला निकल जाएगा और वाई वाली साइड थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ मैं एम वन इंटू एक्स सॉरी वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू

थ्री हो गया ठीक है समझ में आ गया क्लियर सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेना बच्चे हर बार हैबिट डाल लो अगर वैल्यूज पहले ही ध्यान से लिख लोगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होंगी ठीक है चलो अब एम वन देखो एम वन कितना है हमारा एम वन है टू एंड देन एक्स टू एक्स टू है फोर देन वी हैव प्लस एम टू कितना है थ्री एंड एक्स वन कितना है माइनस वन अपॉन में एम वन एम टू सो टू प्लस थ्री एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वाई पे चलते है सेवन अपॉन में अगेन एम वन प्लस एम टू मतलब टू प्लस थ्री ठीक है यहाँ तक क्लियर कोई दिक्कत नहीं है चलो इसको सॉल्व कर लो फोर टू जी वन जी एंड प्लस माइनस माइनस अपॉन में थ्री प्लस टू फाइव हो गया यहाँ पे चले तो थ्री टू साइन माइनस का देन प्लस सेवन ट्वेंटी वन अपॉन में टू प्लस थ्री फाइव सो ये हो गया हमारा करते हैं इसको प्लस एट में से थ्री माइनस करेंगे आ जाएगा फाइव ये हो गया फाइव अपॉन फाइव एंड यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी वन में से सिक्स माइनस कर दो तो, इलेवन में से सिक्स गया फाइव आ जाएगा हमारे पास ये आ गया फिफ्टी अपॉन में फाइव आप देखो जरा फाइव से फाइव कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा थ्री तो हमारा जो पी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए ये निकालना था ये आ गया हमारा वन थ्री ठीक है क्लियर बच्चे समझ में आ गया क्वेश्चन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था सिर्फ हमने वैल्यूज लिखी और पुट कर दी ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे सो क्वेश्चन टू से पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ट्राई सेक्शन क्या होता है बच्चे जैसे आपके पास इस तरीके से एक लाइन है ठीक है एंड मान लो ये इसका एंड पॉइंट हो गया ये मान लो ए हो गया एंड ये हो गया बी ठीक है अब ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना जैसे एक पॉइंट ये आया ठीक है इसको पी ले लेते हैं एक पॉइंट लेट सपोज ये आया तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट सो लाइन हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी इसको बोलते हैं हम ट्राई सेक्शन नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस मतलब अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे फोर और माइनस वन और बी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस टू

वन पार्ट है इधर एक दो पार्ट है तो रेशियो क्या हो गया वन इज टू टू सो जब हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो होगा वन इज टू टू एंड सिमिलरली जब हम जाएंगे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो ये तो हो गया हमारा ए बी एंड क्यू हमारा इधर आएगा पॉइंट सो so, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं दो पार्ट्स हैं एंड क्यू के उस तरफ एक पार्ट है सो so, ये हो जाएगा टू इज टू वन ठीक है ये चीज समझ में आ गई सो so, यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो रेशियो टू इज टू वन पी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो रेशियो वन इज टू टू ठीक है समझ में आया चलो आओ अब स्टार्ट करते हैं पहले हम मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं एम वन के साथ एक्स टू मल्टीप्लाई होगा प्लस एम टू के साथ एक्स वन मल्टीप्लाई होगा अपॉन में एम वन प्लस एम टू वाई की बात करें तो एम वन के साथ वाई टू मल्टीप्लाई होगा प्लस एम टू के साथ वाई वन मल्टीप्लाई होगा अपॉन एम वन प्लस एम टू तो ये आ जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स पहले वैल्यूज लिख लेते हैं सो so, P के केस P निकाल रहे हैं, तो P के केस में एम वन वन हो गया एम टू टू हो गए रेशियो वन एस जो टू है सिमिलरली एक्स वन वाई वन किसके कॉर्डिनेट्स होंगे हमारे ए और ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है फोर और माइनस वन और एक्स टू और वाई टू की बात करेंगे तो वो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे मतलब माइनस टू और माइनस थ्री ठीक है अब वैल्यूज पुट करें चलो ये सारी लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे एम वन वन एक्स टू माइनस टू प्लस प्लस एम टू टू हो गया एक्स वन क्या है फोर अपॉन में वन प्लस टू सिमिलरली वाई पे जाएंगे तो वन इन टू वाई टू माइनस थ्री देन प्लस टू इं टू माइनस वन एंड अपॉन में एम वन प्लस एम टू मतलब वन प्लस टू ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट टू वन जा टू तो ये आ गया माइनस टू प्लस फोर टू जट अपॉन में थ्री एंड ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस तो ये भी माइनस का आएगा लेकिन टू अपॉन में थ्री चलो इसको ऊपर कर लेते हैं सो so, ये आ गया हमारे पास वी हैव प्लस माइनस माइनस एस एट में से टू माइनस करेंगे सिक्स आएगा और बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है सो सिक्स अपॉन थ्री एंड इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया माइनस फाइव अपॉन थ्री अब ये तो कैंसिल होगा नहीं सिक्स अपॉन थ्री हो सकता है तो ये आ जाएगा टू और यहाँ पे माइनस फाइव अपॉन में थ्री तो पी के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए टू एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री ठीक है समझ में आ गया सेम इसी तरह बच्चे क्यू का कर लेते हैं इसको यहाँ ले चलते हैं एंड क्यू के लिए पहले वैल्यूज लिख लेते हैं ठीक है तो हमारा क्यू के लिए M1 वन टू क्या है बच्चे इस बार रेशियो है टू इज टू वन तो ये आ गया टू और ये आ गया वन ठीक है अब वैल्यूज लिखे तो x1 y1 तो सेम होगा हमारे कोऑर्डिनेट्स स्विच इज फोर एंड माइनस वन एंड एक्स टू वाई टू हमारा होगा माइनस टू माइनस थ्री ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स ठीक है यहाँ तक क्लियर है चलो अब यहाँ पे लगाते हैं अपना एम वन मल्टीप्लाई होगा टू प्लस वन एंड अगर हम यहाँ पे बात करें सो टू मल्टीप्लाई होगा पहले वाई टू से एंड देन हमारा प्लस m2 टू मल्टीप्लाई होगा y1 से विच इज माइनस वन अपॉन में अगेन टू प्लस वन ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको टू टू ज फोर माइनस फोर हो गया एंड देन वी हैव प्लस फोर वन ज़ा फोर एंड वी हैव टू प्लस वन वाइनस थ्री एंड ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स लेकिन माइनस का देन वन वन जो वन प्लस माइनस माइनस अपॉन में थ्री आ जाएगा हमारे पास सो ये तो कैंसिल हो जाएगा मतलब पूरा जीरो बन जाएगा यहाँ पर बात करें तो माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया माइनस सेवेन अपॉन में थ्री तो ये हो गए हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स ठीक है यहाँ पे यही निकाला था PQ दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर थ्री से इसको केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन की तरह लेना ध्यान से समझना टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी तो ये पूरा ग्राउंड है हमारा ए बी सी डी लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच तो वन मीटर ईच पे ऐसे ही आपको लाइन्स दिख रही है ये लाइन्स बनाई गई है और वन वन मीटर का गैप है इसमें एंड हंड्रेड फ्लार पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग डी एंड यहाँ पे देखो वन मीटर बाद ये रखा फिर एक मीटर बाद ये रखा फिर ये रखा ऐसे करते करते टोटल कहाँ तक गए हैं हंड्रेड फ्लार पॉट्स पॉट्स रखे गए हैं ओके नेक्स्ट आगे है निहारिका runs one fourth द डिस्टेंस एडी ऑन दी सेकेंड लाइन सो ये निहारिका है जो second लाइन पे रन कर रही है और कितना रन करा है इसने ध्यान से समझना बच्चे वन फोर्थ द डिस्टेंस ए डी अब ए डी पूरा कितना है हमें पता है हंड्रेड तक और उसने कितना रन किया है इस हंड्रेड का वन फोर्थ थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं एंड इधर ले चलते हैं तो हम हाथ के हाथ इसको निकालते हुए चलेंगे ठीक है तो पहले हम बात कर रहे हैं निहारिका की आई नो भी आपको लग रहा होगा मैम छोटा छोटा सा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है मैं जूम कर दूंगी अभी सिर्फ सुनो मैं क्या बोल रही हूँ वन फोर्थ डिस्टेंस रन किया है उसने वन फोर्थ किसका बच्चे इस ए डी का जो कि हंड्रेड पॉट्स लगे हैं सारे पॉट्स हमारे वन वन मीटर पे हैं तो मतलब हंड्रेड मीटर हो गया सो वन फोर्थ का हंड्रेड उसने रन किया है फोर से हंड्रेड कैंसिल करो ये आ जाएगा आपका टू ज ए आएगा फाइव पे तो ये आ गया ट्वेंटी फाइव तो मतलब वो ट्वेंटी 5 इतना पार्ट तक उसने रन किया ठीक है आगे देखो ऑन दी सेकेंड लाइन अच्छा और सेकेंड लाइन पे तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका चाहिए होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये मेरी क्या है एक्स एक्सेस ये मेरी वाई एक्सेस है तो यहाँ पे देखो पहले किसका लिखते हैं हम एक्स एक्सेस का लिखते हैं तो एक्स एक्सेस पे क्या है दो नंबर एंड आगे देखे तो वाई एक्सेस पे क्या है अभी निकाला ट्वेंटी तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए टू और ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ तक क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग तो यहाँ पे इसने ये ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया ठीक है आगे है प्रीत रन वन फिफ्थ द डिस्टेंस ए डी ओके ऑन दी एट्थ लाइन अब एट्थ लाइन पे ये प्रीत रन कर रही है एंड इसने कितना रन किया है वन फिफ्थ इस ए डी का वन फिफ्थ रन किया जैसे इसने वन फोर्थ किया है तो इसने वन फिफ्थ किया है तो चलो इसका भी फाइन कर देते हैं सो so, प्रीत का जब हम फाइन करेंगे तो इसने वन फिफ्थ रन किया है पूरे AD का AD मतलब हंड्रेड है जो हमारा फाइव से इसको कैंसिल करेंगे ये हमारा आ जाएगा टू से टेन और ये आ गया ट्वेंटी मतलब वो यहाँ पे जहाँ ट्वेंटी नंबर है वहां तक पहुंची है एंड पोस्टर रेड फ्लैग अब इसने यहां इस कर दिया है अब अगर इस रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स देखें तो कौन सी लाइन पे है बच्चे वो एक्स एक्सिस में एट एंड आगे वाई एक्सिस पे कहां तक गई है ट्वेंटी तक कोऑर्डिनेट्स हो गए एट और ट्वेंटी क्लियर समझ में आ रहा है बच्चे आगे देखो And post a red flag. yahan pe hai inke beech ka ye green flag हमें बताना है ये जो दोनों color यहाँ पे है इनके बीच का ये green flag और, और ये हमारा red flag इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है सो so, बच्चे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आर डिस्टेंस फार्मूला सो अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास आगे बोला है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग सो कहाँ पोस्ट करेगी वो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में देखते हैं अभी के लिए हम पहले डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो चलो रिवाइज हो जाएगा फिर से अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ क्योंकि अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अरे कहाँ से आ गया ठीक है तो इसको रखते हैं यहाँ पे और चलो अब हमारा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं सो अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन इस पूरे का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इस पूरे का स्क्वायर वैल्यूज लिखो बच्चे यहाँ पे वैल्यूज क्या होगी हमारा ये दो पॉइंट्स है ना एक मिनट इसको नीचे करो ये दो पॉइंट्स है सो so ये पॉइंट इसको नेमिंग भी कर देते हैं ग्रीन है तो इसका जी नेम दे देते हैं और इस पॉइंट का आर दे देते हैं सो जी आर हम फाइंड कर रहे हैं जी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे x1 y1 सो so लिख लेते हैं यहाँ पे इधर लिख रही हूँ मैं x1 y1 क्या हो गए 2 और 25 सिमिलरली x2 और y2, x2 y2 क्या हो जाएंगे 8 और 20 ठीक है वैल्यू सारी हैं फॉर्मूला ये रहा चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं सो so, बैठ जाती हूँ मैं आप आराम से देख लो x2 है बच्चे 8 माइनस x1 है 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 20 माइनस y1 है हमारा 25 इस पूरे का स्क्वायर So, ये हमारा हो जाएगा एट में से टू माइनस करेंगे सिक्स सिक्स का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी में से ट्वेंटी करो माइनस फाइव इस पूरे का स्क्वायर ऊपर कर देते हैं इसको so, ये आ गया हमारे पास सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस दोनों को प्लस कर दो ये हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव इलेवन थ्री प्लस थ्री सिक्स तो ये आ गया हमारे पास रूट सिक्सटी वन ये हमारा इन दोनों पॉइंट्स ये जो दोनों फ्लैग्स है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया ठीक है तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया हमारा चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं क्या बोला है अब उन्होंने बोला है अब रश्मि है कोई एंड उस रश्मि को क्या करना है उसको एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली exactly इन दो पॉइंट्स के बीच में तो अगर उसको इन दो पॉइंट्स के बीच में अपना फ्लैग लगाना है तो हमें बेसिकली देखना है कि इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे सो इस लाइन का मिड पॉइंट फार्मूला से हम कॉर्डिनेट्स निकाल देंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर से थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि वैल्यूज दिखती रहे चलो अब अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करूं बच्चे तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है उसका कुछ नाम दे दे कौन से कलर का ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है ना उसको तो इसको बी नेम दे देते हैं B के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं पहले मैं मिड पॉइंट फॉर्मुला रिवाइज करा देती हूँ वैसे हम वो करते हैं M1, M2, बट इसमें तो मिड पॉइंट में क्या होता है रेशियो वन इस टू वन होता है तो वो सारे M1, M2 सब हट जाते हैं सिंपल X1 वन प्लस एक्स टू अपॉइन में टू एंड यहां पे Y1 वन प्लस वाई टू अपॉन में टू ठीक है तो पहले तो वैल्यूज लिखते हैं एक्स वन वाई वन क्या होगा जी के पॉइंट सो एक्स वन वाई वन हो गया हमारा टू और ट्वेंटी फाइव सिमिलरली एक्स टू और वाई टू हमारे होंगे आर के मिड पॉइंट विच इज एट एंड ट्वेंटी चलो फॉर्मूला हमारे पास है वैल्यूज हमने लिख ली है पुट करते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वन सॉरी टू है प्लस एक्स टू एट अपॉइंटमेंट टू एंड ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी अपॉइंटमेंट टू यह आ जाएगा एट नाइन टेन सो टेन अपॉइन्ट टू एंड ये आ जाएगा इसको प्लस करो ये आ जाएगा फोर्टी फाइव अपॉइंटमेंट टू एंड ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया फाइव एंड ये आएगा हमारा क्या आएगा uh, टू के टेबल से करेंगे ये okay? so आ जाएगा टू ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव आएगा ओके सो कॉर्डिनेट्स आ गए हमारे फ़ाइव और ट्वेंटी टू पॉइंट

नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्स फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन निकालनी है हमने ए बी एंड जिस पॉइंट से कट हो रहा है उसको नेम दे दिया पी अब इसमें देखो रेशियो निकालना है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस तो ये लाइन सेगमेंट के दे रखे हैं मतलब ए के कॉर्डिनेट लिख लेते हैं माइनस थ्री एंड बी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं सिक्स और माइनस एट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं माइनस वन एंड सिक्स ठीक है क्लियर यहाँ तक ये सारे हैं रेशियो आपको फाइंड करना है जब भी बच्चे आपको रेशियो निकालना हो तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेट दी रेशियो बी एस टू वन जब भी आपको रेशियो निकालना आप रेशियो हमेशा लेट कर लेना के एस टू वन ठीक है एंड के एस टू वन के हिसाब से पूरा अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको k की वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली आपको वो रेशियो मिल जाएगा ठीक है करते हैं कैसे अब देखो अगर हमारे पास रेशियो गिवन होता तो p के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता वही हमारा सेक्शन फार्मूला मतलब एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन अपॉन मे एम वन प्लस एम टू एंड यहाँ पे बात करें तो एम वन मल्टीप्लाई होगा अरे भाई वाई टू से प्लस एम टू मल्टीप्लाई होगा वाई वन से अपॉन में एम वन प्लस एम टू ठीक है तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी जो ऑलरेडी है मतलब इसकी वैल्यू माइनस वन है और इसकी वैल्यू सिक्स है इसी तरीके से करेंगे पहले लिख लेते हैं सारी चीज़ें देखो एम वन हमारा क्या हो गया रेशियो हमने के इज टू वन लिया है तो एम वन के हो गया एंड एम टू हमारा वन हो गया सिमिलरली एक्स वन वाई वन क्या होगा ए के कोऑर्डिनेट्स तो माइनस थ्री और टेन और यहीं पर एक्स टू और वाई टू क्या होगा हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब सिक्स और माइनस एट ठीक है यहां तक समझ में आ गया चलो वैल्यूज पुट करते हैं इसको पहले ऊपर कर लेते हैं एंड वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे एम वन हो गया के एक्स टू इज सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वाई टू से माइनस एट प्लस वन एम वाई वन है टेन अपॉन में के प्लस वन ठीक है अभी देख के लग रहा होगा यार ये तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा यहाँ पे भी के है यहाँ पे भी के है अभी मैंने आपको बताया ये जो कोऑर्डिनेट्स 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 हैं हैं किसके है? के 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 एंड हमें पता है क्वेश्चन में पी के दे रखे क्या कह सकती हूँ बच्चे कि ये जो का है, ये होगा इस माइनस वन के और ये जो का कोऑर्डिनेट है ये इक्वल होगा इस सिक्स के है ना तो ऐसे ही लिख देते हैं इसको ये हो जाएगा के अच्छा साथ में मल्टीप्लाई कर दू सिक्स इन टू के करेंगे एंड थ्री वन जी तो माइनस थ्री आ गया प्लस माइनस माइनस अपॉन में k प्लस वन ये इक्वल है हमारा किसके बच्चे माइनस वन के इक्वल है यहीं से वैसे तो k की वैल्यू निकल जाएगी अगर क्रॉस चेक करनी हो तो आप इसको सिक्स के इक्वल पुट कर लेना ठीक है अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं सो ये हमारा हो जाएगा सिक्स के माइनस थ्री इक्वल्स टू इसको वहाँ भेज दो तो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा माइनस के और प्लस वन हो जाएगा माइनस वन ठीक है क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ है अब यहाँ पे हो जाएगा सिक्स के इधर माइनस के है इधर आके प्लस के हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ माइनस वन बचा इधर माइनस थ्री उधर जाके प्लस थ्री हो जाएगा तो सिक्स प्लस वन सेवन के इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस थ्री में से बन गया टू एंड यहाँ पे के हमारा आ जाएगा टू आ गया टू अपॉन में सेवन ठीक है ये चीज क्लियर है सो so, k हमने लिया था रेशियो क्या लिया था के इज टू वन सो ये टू अपॉन सेवन है तो so, बेसिकली आपका रेशियो क्या हो गया टू इज टू सेवन सो रेशियो जो हमें निकालना था वो आ गया टू इज टू सेवन आई होप दिस इज क्लियर समझ में आ गया होगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव से फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस यहाँ पे ध्यान से समझना बच्चे कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है जैसे अगर यहाँ पे मान लो कोई भी लाइन थी एंड एक्स एक्सिस ने उसको डिवाइड किया अब एक्स एक्स पे जो भी पॉइंट होते हैं जैसे ये हमारी एक्स एक्स होती है ये वाई एक्सेस होती है अब एक्स एक्स पे जितने भी पॉइंट है ये X पे क्यों आए क्योंकि इनका जो वाई था वो जीरो था तभी तो आएगा जैसे अगर आपको एक पॉइंट प्लॉट करना है फाइव जीरो एग्जांपल दे रही हूं मैं सो so, यहाँ पे क्या होगा एक्स फाइव है वाई जीरो पॉइंट जाके कहा प्लॉट होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहां पे भी फाइव होगा वहां पे आप प्लॉट कर दोगे क्योंकि वाई तो जीरो है सो so, मतलब जितने भी यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ इसको पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस पे बच्चे जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा ठीक है ये चीज समझ में आ गई चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई दल्सो फाइंड द कॉर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन ठीक है पॉइंट ऑफ डिविजन के कॉर्डिनेट्स बाद में निकालेंगे पहले इसको रब करके लाइन सेगमेंट बना लेते हैं अपनी सो so, ये हमने चलो एक लाइन सेगमेंट बना ली अब बच्चे जिस पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है सो so इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे एक्स और जीरो और लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स तो दे ही रखे हैं ये ए बी ले लिया ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वन माइनस फाइव एंड बी के कॉर्डिनेट्स हैं माइनस और फाइव ठीक है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी ठीक है यहां तक क्लियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलो अब हमें करना क्या है पहले तो निकालना है किस रेशियो में कट करा होगा तो जब भी रेशियो निकालेंगे क्या ले लेंगे वन, ठीक है? एंड उसके बाद हमें पी के कॉर्डिनेट निकालने मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है वो निकाल देंगे पहले रेशियो निकालते तो स्टार्ट करेंगे ले दी रेशियो बी केन ठीक है स्टार्ट करते हैं अपना M, उसका फॉर्मूला लिख के सेक्शन फार्मूला क्या होता है एम वन मल्टीप्लाई होगा एक्स टू से प्लस एम टू मल्टीप्लाई होगा X1 से अपॉन में देन वी हैव मल्टीप्लाई होगा बाई टू से एम टू मल्टीप्लाई होगा बाई वन से अपॉन में एम वन प्लस एम टू ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है वैल्यूज लिख लेते हैं बेटा वैल्यूज क्या होंगी हमारी रेशियो लिया है केन तो एम वन हो गया के एंड एम टू हो गया वन क्योंकि to 1 लिया है. अब एक्स वन वाई वन क्या होगा लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है तो ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब वन और माइनस फाइव एंड एक्स टू वाई टू होगा बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब माइनस फोर और फाइव ठीक है क्लियर यहाँ तक करें यहाँ पे वैल्यूज पुट इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा चलो जी अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं एम वन है के मल्टीप्लाई होगा एक्स टू से माइनस फोर प्लस वन मल्टीप्लाई होगा इससे देन अगेन नीचे आ जाएगा के प्लस वन एंड वाई वाली साइड अगर जाए तो अगेन के मल्टीप्लाई होगा फाइव से प्लस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस फाइव से अपॉन में के प्लस वन अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे किसके हैं बच्चे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड हमें ये भी पता है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स और जीरो अब इस एक्स की तो वैल्यू हमें भी नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं ये क्योंकि देखो इसमें अगर बात करें तो ये एक्स है और ये वाई है सो so, इसको मैं इस y मतलब जीरो के हमें पता है ये इक्वल्स टू जीरो आना है इसके इक्वल रखूंगी तो मुझे k मिल जाएगा मतलब फाइव इन टू के फाइव के एंड प्लस माइनस माइनस फाइव 5 फाइव 5, 5, अपॉन में के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो सो ये हमारा हो जाएगा फाइव के माइनस फाइव एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा जीरो तो फाइव के इक्वल होगा माइनस फाइव इधर आगे प्लस का फाइव हो गया के इक्वल्स टू आ गया वन ठीक है तो के की वैल्यू वन आ गई तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हमारा हो गया वन इज टू वन और वन इज टू वन का मतलब क्या है वन इज टू वन मतलब मिड पॉइंट है इसका भी ठीक है चलो ये रेशियो आ गया पहली चीज निकल गई अब अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक तो तरीका है पूरे जैसे कॉर्डिनेशन निकालोगे वो कर सकते हो यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे ये जो है हमारा एक्स के इक्वल है देखो मैं कैसे लिख रही हूँ x इक्वल्स टू ए वाला पार्ट विच इज माइनस फोर के प्लस वन इन वन वन अपॉन में के प्लस वन अब k की वैल्यू तो हमारे पास है k तो वन वाल् आ गया है तो सिंपल क्या करेंगे माइनस फोर वन 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 प्लस प्लस अपॉन में सो ये आ गया हमारे पास फोर वन साफ फोर माइनस का फोर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड देन प्लस वन और वन प्लस वन टू सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस फोर में से वन माइनस करेंगे थ्री

एक्स एंड वाई, सो यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है पहले बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरीके से ये हो गया ये हो गया एंड इसको जॉइन कर देते हैं ऐसे ठीक है नाउ लेट्स राइट डाउन a b c एंड d चलो देखो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 b के कोऑर्डिनेट्स 4 y एंड देन C के कोऑर्डिनेट्स हैं थ्री फाइव नहीं एक सेकेंड एक्स सिक्स सी के कॉर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स सिक्स और डी के कोऑर्डिनेट्स थ्री और फाइव ठीक है हमें यहाँ पे क्या करना है हमें दे रखा है कि ये वर्टिसेस हैं हमारे पैरेललोग्राम के हमें इस एक्स और इस वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम अपनी एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी क्या है देखो हमें पता है अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो उसके जो डाइगनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक करते हैं मतलब बाई का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे जब मैं इस ओ पॉइंट की बात करूंगी तो क्योंकि यहाँ पे ये हमारा डाइगनल है और ओ पॉइंट बेसिकली क्या है बाइसेक कर रहे हैं यहाँ पे तो दो इक्वल पार्ट है तो ओ क्या हो गया बी डी का मिड पॉइंट हो गया इसी तरीके से ए सी का भी मिड पॉइंट हो गया तो आई कैन राइट ओ इज दी Midpoint. ऑफ बी डी बी डी का मान लेते हैं बिट मान के लेते हैं मतलब हमें पता ही है बी डी का मिड पॉइंट है क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक करते हैं ओ बी ओ डी ओ डी के इक्वल है तो वन इज टू वन में डिवाइड कर रहा है ये एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मुला से ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फिर ए सी का भी ओ मिड पॉइंट है तो यहाँ से भी निकाल लेंगे एंड दोनों को इक्वेट करके एक और वाई की वैल्यू आ जाएगी ठीक है स्टार्ट करते हैं सो तो पहले हमने लिखा कि ओ इज दी मिड पॉइंट ऑफ बी डी ठीक है 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 हमारे का का मिड 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 पॉइंट 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 क्या होता है? मतलब के कोऑर्डिनेट्स सो टू ठीक है चलो अब वैल्यूज पुट करो जरा कौन किसकी बात हो रही है डी की तो बी के सॉरी बी के कोऑर्डिनेट्स और डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वन Y1 हो जाएंगे क्या है बी के कोऑर्डिनेट्स फोर और वाई टू हो जाएंगे थ्री और फाइव ठीक है वैल्यूज़ करते हैं टू एंड यहाँ पे बात करें तो वाई प्लस फाइव अपॉन में टू सो ये हमारा हो जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन अपॉन टू एंड इधर आ जाएगा वाई प्लस फाइव अपॉन में ठीक है तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए ओके okay. ये हमने कैसे निकाले बी डी मिड पॉइंट से अब अगेन ओ इज़ दी ऑफ़ का भी मिड पॉइंट है तो यहां से भी हम ओके okay, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे फिर से वही चीज मिड पॉइंट फॉर्मुला लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंटमेट टू एंड वाई वन प्लस वाई टू टू ठीक है अब यहां पे वैल्यूज अगर लिखें तो हम ए और सी ले लेंगे तो हमारा एक्स वन क्या हो गया a के कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 एंड x2 y2 क्या हो जाएगा c के कोऑर्डिनेट्स मतलब x और 6 ठीक है यहाँ तक क्लियर है इसको ऊपर कर लेते हैं चलो अब निकालते हैं वैल्यूज पुट करके तो x1 plus x2 मतलब 1 plus x अपॉन में 2 एंड y की बात करें तो 2 plus सिक्स अपॉन में 2 ठीक है तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन टू एंड यहाँ की बात करेंगे सिक्स सेवन एट एट अपॉइन टू मतलब फोर आ गया सो so ये आ गया वन प्लस एक्स अपॉइन में टू एंड ये हो गया फोर सो so ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट्स ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब ये भी ओ के कॉर्डिनेट्स है ये भी ओ के कॉर्डिनेट्स है दोनों सेम होंगे अब अगर दोनों सेम है तो मतलब सेवन अपॉइन टू इक्वल होगा इसके एंड ये जो y प्लस से प्लस फाइव अपॉन टू है वो इक्वल होगा फोर so के सो फ्रॉम बोथ दीज वी कैन से कि वन प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल है सेवन अपॉन टू के एंड हमारा y प्लस फाइव अपॉन टू इक्वल है फोर की चलो इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा एक्स प्लस वन टू को उधर भेज दो यहाँ पे सेवन अपॉइन टू है टू मल्टीप्लाई होगा इससे कैंसिले हो जाएगा तो एक्स हमारा हो जाएगा सेवन और इधर प्लस वन इधर आके माइनस वन सो एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास सिक्स एंड यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं तो वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू टू इधर है इधर जाके फो टूजा एट हो जाएगा so, एट थ्री so, आ, आ गया हमारे पास सो एक्स सिक्स एंड वाई थ्री क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई ठीक है आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन

डाया है अब अगर ये एक सर्कल का डाया है तो मुझे एक बात बताओ इसका जो सेंटर है वो क्या होगा मिड पॉइंट होगा देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को अगर आपके पास इस तरीके से कोई सर्कल है एंड ये डाया है ठीक है एंड सेंटर यहाँ पे है सो तो हमें यहाँ पे पता है सेंटर ये बेसिकली क्या हो गया ये भी एक रेडियस है ये भी एक रेडियस है एंड पूरे सर्कल की रेडियस तो थ्रू आउट सेम रहती है सो तो किस रेशियो में डिवाइड होगा ये वन इज टू वन मतलब ये क्या हो गया कि ये पॉइंट इस पूरे का मिड पॉइंट हो गया तो मतलब यहाँ पे अगर ये ओ सेंटर है तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ठीक है ये बेसिक चीज है समझ में आ गई होगी चलो अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है हमें फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई ये हमें निकालना है एंड गिवन क्या क्या है बच्चे हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब सेंटर अगर ओ है सो ट्स टू और माइनस थ्री गिवन है एंड बी कॉर्डिनेट है तो वन और फोर इसके कॉर्डिनेट दे रखे हैं हमें ठीक है ये चीज क्लियर है हमें यहाँ पे ए के कॉर्डिनेट्स निकालने अगर मैं वैल्यूज की तरह लिखूँ तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा x1 x2 क्या होता है ए और बी की कॉर्डिनेट्स तो यहाँ पे देखें तो x1 और y1 तो हो जाएगा x और y और अगर इसकी बात करें तो x2 y2 हमारा हो जाएगा वन और फोर अब जो हम मिड पॉइंट से जो हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो क्या है ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं और ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ऑलरेडी है तो इक्वल रख के एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी समझ में आ जाएगा पहले फॉर्मूला लिखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू टू एंड वाई वन प्लस वाई टू टू तो ये हमारे ओ okay, के कोऑर्डिनेट्स हो गए ठीक है वैल्यूज हमारे पास हैं चलो पुट करते हैं सो ओके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं एक्स वन प्लस एक्स टू करो तो एक्स प्लस वन अपॉन टू आ जाएगा नेक्स्ट हो गया वाई वन क्या है वाई प्लस y2 कितना है हमारा y2 है फोर यहाँ पे टू नहीं लिखा ना अच्छा y2 ही लिखा है ये है फोर अपॉन में टू अब देखो ये किसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चे ओ के कोऑर्डिनेट्स है और क्वेश्चन में ओ के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें तो ये किसके इक्वल है ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है टू और माइनस थ्री तो यहाँ से इसका क्या मतलब है बच्चे ये जो पार्ट है हमारा इक्वल है टू के एंड ये वाला जो पार्ट है इक्वल है माइनस थ्री के तो कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं जरा देखो जरा इसको लिखते हैं पहले आप आराम से देखो वोट एक्स प्लस वन अपॉन टू ये इक्वल है किसके टू के एंड यहाँ पे बात करें तो वाई प्लस फोर अपॉन में टू हमारा इक्वल है माइनस थ्री के ठीक है अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं टू को उधर भेज दो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन टू टू ज फोर एक्स हमारा आ जाएगा फोर माइनस वन तो एक्स आ जाएगा थ्री एंड इसी तरीके से अगर वाई की वैल्यू निकाले तो वाई प्लस फोर है एंड ये माइनस थ्री इधर टू मल्टीप्लाई होगा थ्री टू सिक्स तो ये आ गया माइनस सिक्स एंड वाई हमारा हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस फोर सो वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस फोर इज़ टेन सो वाई हमारा आ गया माइनस का टेन ठीक है एक्स और वाई क्या थे हमारे ए के कोऑर्डिनेट से जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था तो ये आ जाएगा थ्री so, एंड माइनस टेन सो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए थ्री और माइनस टेन ठीक है आई होप समझ में आ गया आपका क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर एट सो क्वेश्चन लाइन सेगमेंट ए बी सो पहले इसको मैं ड्रॉ करता कि थोड़ा इजी लगे आपको क्वेश्चन ये हमारी लाइन सेगमेंट ए बी हो गई ठीक है भाई और ए बी के कॉर्डिनेट्स में हमें क्या क्या दे रखे है दोनों के कॉर्डिनेट्स दे रखे ए के कॉर्डिनेट है माइनस टू माइनस टू और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास टू और माइनस फोर नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी जो है ना हमारा जैसे मान लो कहीं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला ना पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी तो मान लिया हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी पे यहाँ पे कहीं पी लाई कर रहा है ठीक है ये हो गया हमारा अब हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि जो ए पी है ये इक्वल थ्री अपॉन सेवन ऑफ ए बी ए पी इक्वल है थ्री अपॉन सेवन ए बी के अब ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर मैं यहाँ पे भी ले आऊँ इसको तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा मतलब ए पी अपॉन में ए बी मेरा इक्वल हो जाएगा थ्री अपॉन सेवन के पर अगर मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने क्या है पहले तो अच्छा ये देख लेते हैं हमें निकालने पी के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे इस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई ले लिया मैंने इसको ये अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे रेशियो चाहिए सिंपल हो जाएगा ना क्वेश्चन अगर मेरे पास रेशियो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है भाई वो तो ए पी रेशियो ए बी दे रखा है ए पी मतलब ये अपॉन में ये पूरा चाहिए क्या हमें हमें चाहिए ए पी अपॉन में पी बी बेसिकली आपको ये रेशियो चाहिए ना ए पी इज टू पी बी का क्या, क्या रेशियो है ये हमारे पास आ गया तो सेक्शन फॉर्मूला से कर लेंगे सो so, ये जो हमें गिवन है ना बच्चे इसी से ही हम यहाँ तक पहुँचेंगे ठीक है अब देखो ए पी और पी बी में हमारे पास ए पी तो है इस ए बी की जगह मुझे पी बी चाहिए मतलब ये पूरा ए बी नहीं मुझे सिर्फ पी बी चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना देखो इस एपी को तो हम नहीं छेड़ना चाहते इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते इस ए बी को अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये पूरा एबी को मैं लिख सकती हूं एपी प्लस पीबी एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं ना भाई ये पूरा ए बी क्या है पी प्लस बी तो है तो यहां पे मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूं बट अगर मैं ऐसे ही स्प्लिट करूंगी तो कुछ फायदा ही नहीं है आगे कुछ काम नहीं आएगा तो हम इसका करते हैं रेसी प्रोकल अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम रेसी प्रोकल क्यों की है? अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो समझ में आ जाएगा तो इफ आई राइट ए बी अपॉन में ए पी अब भाई इसका रेसी प्रोकल करोगे तो इसका भी करना पड़ेगा तो ये आ गया सेवन अपॉन थ्री अब यहां बी को मैं लिखूंगी ए पी प्लस भी लिख सकते यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है एंड अपॉन में इक्वल्स टू थ्री यहां तक भी ठीक है चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं अब ये अगर एपी है तो वो इसके साथ भी है इसके साथ जैसे हम LCM लेते देखो ये स्टेप मैं इसको ऐसे लिख रही हूं एपी अपॉन पी प्लस पी बी अपॉन ए पी आप सोच रहे हो गए ये क्या करा मैम आपने देखो अगर मान लो आपके पास ये होता है इमेजिन करो आपके पास ये चीज है तो आप क्या करते हैं हम यहाँ एलसीएम लेते हैं ये आ गया ए पी और ऊपर है ए पी प्लस पी बी यही करते हैं हम यूजली क्या होता है इस स्टेप से यहाँ पे आते हैं अब हमारे पास ये ऑलरेडी सात दे रखा था हमने उसको स्प्लिट कर दिया ठीक है वंस यू स्प्लिट इट अब ये इक्वल किसके रहेगा इक्वल तो उसी के रहेगा सेवन अपॉन थ्री के सो दिस इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है चलो आप देखो जरा एपी अपॉन एपी ये तो वन हो गया कट हो जाएगा ना सो वन प्लस पी बी अपॉन एपी ये तो हमें चाहिए ना यही तो चाहिए तो एपी और पी बी का ही रेशियो चाहिए पहुंच गए बस हम यहाँ तक इक्वल्स टू सेवन अपॉन थ्री है वन इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस होगा सो ये आ गया पी बी अपॉन में पी इक्वल्स टू सेवन अपॉन थ्री माइनस वन सो पी बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू एल्शियम लो ये आ जाएगा थ्री आ गया सेवन माइनस थ्री वन ज थ्री सो पी बी अपॉन में ए पी इक्वल्स टू सेवन में से थ्री माइनस करेंगे सेवन सिक्स फाइव या फोर अपॉन थ्री अब रेशियो में हमें क्या चाहिए हमें चाहिए ए पी अपॉन पी बी देखो जरा रेशियो किसका चाहिए ए पी अपॉन में पी बी का तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं एक मिनट हमें चाहिए ए पी अपॉन में पी बी और जो अभी हमने निकाला है जूम आउट करो एक मिनट ये देखो हमने अभी जो निकाला है वो है पी बी अपऑन ए पी कोई बात नहीं भाई रेसी प्रोकल कर लो शुरू भी तो ये सब ना कर पाते अगर हम रेसी प्रोकल ना करते सो so, अब ये आ गया इसका रेसी प्रोकल कर तो ये फोर अपॉन थ्री है रेसी प्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फोर सो so, मतलब रेशियो हमारे पास आ गया थ्री इज टू फोर अब रेशियो अगर आपके पास आ गया है बेटा तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो है ही हमारे पास आराम से पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे हम चलो अब इसको जूम करते हैं या वहां पे पहले मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ सारी एंड देन क्वेश्चन करेंगे अपना सो so, देखो रेशियो आया है एम वन एम टू आ गया मतलब क्या है थ्री फोर थ्री फोर पी के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं ए वाला हो जाएगा एक्स वन वाई वन क्या हो गया माइनस टू एंड माइनस टू सिमिलरली एक्स टू वाई टू हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो कि है टू और माइनस फोर सो ये आ गया और ठीक है आप सेक्शन लगाते हैं अपना. Let's write the formula. हमारा हो जाएगा में y वाले पे जाएंगे तो m1 वन मल्टीप्लाई होगा वाई टू से प्लस एम टू मल्टीप्लाई होगा वाई वन से अपॉन में m1 वन प्लस एम टू ठीक है बच्चे क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप अपने अप्लाई कर देते हैं मतलब वैल्यूज लिख देते हैं सो ये हो जाएगा थ्री एक्स टू क्या है माइनस टू प्लस फोर एक्स वन कितना है सॉरी 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 हाँ एक्स टू माइनस टू नहीं प्लस टू था अभी सारा गड़बड़ हो जाता और ये है माइनस टू ठीक है अपॉन में एम वन एम टू मतलब थ्री प्लस फोर इधर आ जाते हैं एम वन कितना है थ्री मल्टीप्लाई होगा वाई टू माइनस फोर एंड प्लस एम टू फोर है वाई वन कितना है माइनस टू है अपॉन में थ्री प्लस फोर ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं देखो जरा थ्री टू ज़ा सिक्स एंड फोर टू एट प्लस माइनस माइनस अपॉन में फोर फाइव सिक्स सेवन इधर आ जाओ तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस का एंड फोर टू जी एट प्लस माइनस माइनस तो माइनस एट अपॉन में फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो जाएगा सिक्स में से एट मतलब एट में से सिक्स माइनस होगा टू आएगा लेकिन माइनस का सो माइनस टू अपॉन सेवन एंड इधर बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ट्वेल्व और एट ट्वेंटी हो जाएगा लेकिन माइनस का तो माइनस ट्वेंटी अपॉन में सेवन सो ये हमारे निकल गए कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के पी पॉइंट के ठीक है क्लियर है सो so, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन है इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट सो आपको अब आप कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके एक लाइन सेगमेंट है बच्चे ए बी नाम लेते हैं चलो इसको ये हो गया हमारा ए बी ये लाइन सेगमेंट है ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं माइनस टू टू एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं टू और एट एंड कुछ पॉइंट्स हैं जिसने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया सो so, मान लो एक यहाँ से हो गया मतलब पॉइंट लगाते हुए चलते हैं। ये एक पार्ट हो गया ये दूसरा पार्ट हो गया ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा पार्ट हो गया ठीक है एक पार्ट ये दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट सो फोर इक्वल मतलब फोर इक्वल पार्ट्स में अगर हमें इसे कट करना है तो कितने पॉइंट्स लगे हमारे वन टू थ्री पॉइंट्स लगे ठीक है इनको नेमिंग दे देते हैं लेट्स कॉल दिस पी क्यू आर ठीक है तो हमें क्या करना है अब इस पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वो ट्राई सेक्शन वाला उसी की तरह से है ये अब देखो चार इक्वल पार्ट में अगर हमने कट किया तो अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं अगर इस पी पॉइंट की बात करूं तो रेशियो क्या होगा इधर क्या है एक पार्ट और इधर एक दो तीन पार्ट तो रेशियो क्या हो गया बच्चे वन इज टू थ्री हो गया ठीक है जब क्यू पॉइंट की बात करेंगे तो क्यू के यहाँ पे कितने क्यू के इस साइड दो पार्ट क्यू के उस साइड दो पार्ट सो तो टू इज टू टू अब टू इज टू टू का क्या मतलब है वन इज टू वन ही मान लो मतलब ये हो गया ना कि Q भाई इस पूरे का मिड पॉइंट है तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। एंड अगर हम R के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो R के बारे में एक दो तीन तीन यहाँ पे है और एक इधर है तो थ्री इज टू वन

ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब माइनस टू और टू उसके बाद एक्स टू वाई टू क्या होगा हमारा बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब टू और एट इसके अलावा रेशियो मतलब एम वन एम टू किस रेशियो में वन एज टू थ्री तो ये आ गया वन ये आ गया थ्री ये सारी हो गई हमारी वैल्यूज चलो भाई फॉर्मुला लिख लेते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इन एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू इसी तरीके से एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू ठीक है वैल्यूज पुट करें वैल्यूज यहीं पे पर सारी देखो एम वन क्या है वन एक्स टू क्या है टू प्लस एम टू एज थ्री एक्स वन इज माइनस टू सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज का ही है बेटा वाई वैल्यू एक भी इधर उधर कर दी आंसर गलत हो जाएगा सो so, ये आ गया वन प्लस थ्री एंड वाई कोऑर्डिनेट पे चले तो एम वन वन एट देन प्लस थ्री एंड टू अपॉन में वन प्लस थ्री ठीक है अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं एंड यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं टू वन जो टू थ्री टू जर सिक्स एंड प्लस माइनस माइनस अपॉन थ्री प्लस वन एस फोर एंड एट वन जा एट प्लस थ्री टू जिक्स अपॉन में थ्री प्लस वन फोर सो यह आ गया सिक्स में से टू माइनस किया माइनस फोर अपॉन फोर आ गया एंड यहाँ पे एट सिक्स सिक्स ट्वेल्व थर्टीन फोटीन एंड अपॉन में फोर ठीक है कैंसिल हो जाएगा हमारा फोर से फोर तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस वन आ गया इसको टू से करेंगे तो ये सेवन अपॉन टू आ जाएगा सो so, हमारे पहले कॉर्डिनेट्स जो पी के कॉर्डिनेट्स हैं वो आ गए माइनस वन एंड सेवन अपॉन ठीक है चले अब क्यू के कॉर्डिनेट्स निकालते हैं आप क्यू हमें पता है मिड पॉइंट है तो उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू ठीक है अब यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें तो एक्स वन और वाई वन किसके होंगे ए के कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स टू वाई टू हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे चलो डायरेक्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? आप डायरेक्ट मत करना लिख लेना वैल्यूज तो एक्स वन हो गया हमारा माइनस टू एंड x2 हो गया हमारा 2 अपॉन में 2 एंड इधर बात करें तो y1 हो गया 2 प्लस y2 हो गया 8 अपॉन में 2 तो ये तो जीरो हो गया भाई पूरा एंड ये हो जाएगा 8 9 10 10 अपॉन 2 करोगे 5 आ जाएगा तो मतलब ये आ गया जीरो और 5 तो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स आ गए जीरो फाइव ठीक है दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए अब निकालते हैं आर के कोऑर्डिनेट्स सो तो आर के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे तो भाई आर की बारी में रेशियो क्या है हमारा थ्री इज टू वन एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं अब देखो एक्स वन वाई वन ए के कॉर्डिनेट्स माइनस टू टू एंड एक्स टू वाई टू बी के कॉर्डिनेट्स टू और एट एंड ऑल्सो पहले इसको उधर करते हैं यहाँ स्पेस यूज करते हैं पूरा भाई एंड देन वी हैव एम वन एम टू किस रेशियो में है थ्री इज टू वन तो थ्री और वन हो गया ठीक है आप फॉर्मूला लगाते हैं वी हैव एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू एंड ये हो जाएगा एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू चलो फॉर्मूला लिख लिया वैल्यूज लिख दी अब फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दो एम वन थ्री एक्स टू टू प्लस एम टू वन एक्स वन माइनस टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू मतलब थ्री प्लस वन एंड देन एम वन कितना है एम वन है हमारा थ्री वाई टू कितना है एट प्लस एम टू कितना है वन वाई वन कितना है टू अपॉन में थ्री प्लस वन चलो इसको सॉल्व करो थ्री टू जर सिक्स टू वन जर टू माइनस का तो सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री प्लस वन फोर एंड ये हो जाएगा एट थ्री जर ट्वेंटी फोर प्लस टू वन जर टू थ्री प्लस वन एज फोर सो ये हमारा हो जाएगा सिक्स में से टू पहले इसको ऊपर कर लेते हैं स्पेस बनाते हैं एंड देन लिखते हैं सिक्स माइनस टू इज़ फोर अपॉन फोर एंड ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एंड अपॉन में फोर फोर से फोर कैंसिल ये आ गया वन एंड फोर से ट्वेंटी सिक्स को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा तो टू से कर लेते हैं ये आ जाएगा टू एंड ये आ जाएगा थर्टीन सो so ये आ गया वन और थर्टीन अपॉन टू ठीक है सो so, ये हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स है ठीक है तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते बस हो गया क्वेश्चन सो दिस वाज द नाइन्थ क्वेश्चन लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर टेन से इज फाइंड एरिया ऑफ अम्बस इफ इट्स वर्ट आर दिस 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 एंड दिस में आपको नहीं दे रखा होगा अभी हमें पता है याद कर लेना अगर नहीं याद तो एरिया ऑफ रोम्बस होता हैल्स प्रोडक्ट ऑफ डाइगनल्स मतलब रोम्बर्स का जो डाइगनल्स हैं उसकी लेंथ आपके पास होनी चाहिए एंड उसका मतलब उस, उसको उसको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो आपके पास एरिया ऑफ रोमबस आ जाएगा तो पहले यहाँ पे एक रोमबस बना लेते हैं सो so, ये हमने बनाया स्क्वायर इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे ये बन गया हमारा रोमबस ठीक है इसको यहाँ रखो एंड पहले पॉइंट्स देते हैं सो ये हो गया हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट आप जरा यहाँ पे लिख लेते हैं पहले वोट क्या है थ्री जीरो बी की बात करें फोर फाइव एंड सी की बात करें माइनस वन फोर एंड एक मिनट डी की बात करें तो माइनस टू माइनस वन ठीक है अब क्योंकि हमें डाइगनल्स निकालने हैं तो जरा इसको ज्वाइन कर देते हैं ए सी और बी डी तो अब अगर मैं फॉर्मुला लिखूं बच्चे तो हाफ इंटू ए सी एक डाइगनल है और बी डी एक डाइगनल है So, ये हमें करना है अब इसमें हमें ए सी और बी डी की लेंथ निकालनी है ए सी बी डी की लेंथ हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले पहले यहाँ पे ए सी बी डी हैं फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे सो so, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए सी ए सी में ए और सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वन वाई वन क्या है थ्री और जीरो सी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस वन फोर सो ये आ गया माइनस वन और फोर ठीक है नाउ यूजिंग आ डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ठीक है वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में एक्स टू देखो कितना है माइनस वन माइनस एक्स वन कितना है थ्री इस पूरे का स्क्वायर प्लस वाई टू देखो कितना है फोर माइनस वाई वन कितना है जीरो इस पूरे का स्क्वायर सो so ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस वन ये हो गया फोर लेकिन माइनस का इसका स्क्वायर प्लस फोर माइनस जीरो इस फोर तो इसका स्क्वायर और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा फोर का माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फोर का स्क्वायर भी सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन ये हो गया हमारा अंडर रूट में थर्टी टू ठीक है ये आया अभी ए सी इसी तरीके से हम बी डी भी निकाल लेंगे अब बी डी के लिए बी के डायगनल एक्स वन वाई वन क्या है फोर और फाइव और डी के डायग्नल एक्स टू वाई टू डी के लिख दो डायग्नल कैर यू सॉरी कोऑर्डिनेट्स सो क्या है माइनस टू माइनस वन सो ये हो गया माइनस टू माइनस वन चलो फॉर्मुला लगाते हैं वी हैव एक्स टू माइनस एक्स वन इस पूरे का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इस पूरे का स्क्वायर सो so, ये आ गया जी वैल्यूज देखो एक्स टू माइनस टू माइनस एक्स वन फोर इस पूरे का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन माइनस वाई वन फाइव इस पूरे का स्क्वायर सो so, ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस फोर सॉरी माइनस माइनस प्लस फोर प्लस सिक्स हो गया लेकिन माइनस का इस पूरे का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस फिर से ये आ जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर इसको ऊपर करो सिक्स का स्क्वायर आ गया माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस कर देते हैं इसको तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स करो सिक्स सिक्स ट्वेल्व एंड थ्री थ्री सिक्स सेवन सो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में 72 ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सो वैल्यूज पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में इसको ऊपर कर लेते हैं अभी हमने लिखा था एरिया ऑफ रोमबस इक्वल्स टू हाफ इनटू दोनों साइज क्या क्या है अंडर रूट में 32 इनटू में अंडर रूट में 72 ठीक है अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो थर्टी टू को कैसे स्प्लिट करके सकते हैं या सिंपल कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आगे तो करनी नहीं तो सिंपल करते थर्टी टू और सेवेंटी टू को कर दो मल्टीप्लाई सेवेंटी टू इं थर्टी टू करते हैं सो so ये हमारा हो जाएगा टू टू ज़ा फोर एंड सेवन टू ज़ा फोर्टीन एंड देन थ्री टू ज़ा सिक्स सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन एंड ये आ गया फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड ये आ गया थ्री टू थ्री जीरो फोर सो ये आ गया वन अपॉन टू टू में अंडर रूट में हमारे पास आ गया टू थ्री जीरो फोर अब इसको जरा स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका वी हैव टू थ्री जीरो फोर यहाँ पे लगाया हमने बार्स अब ट्वेंटी थ्री फोर फोर जिक्स फाइव ज्वेंटी फाइव बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर फोर ज एंड यहाँ पे ये तो जीरो फोर एज इट इज़ पूरा नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटीन सेवन एटीनटीन टी ट्वेंटी थ्री तो ये आ गया सेवन ना फोर प्लस फोर यहाँ पे आएगा एट अब देखो जरा एट के साथ अब किसको मल्टीप्लाई करें दोनों सेम नंबर को लास्ट में फोर चाहिए एक तो हम कर सकते हैं टू टू जा 4 फोर बट वो तो छोटा आएगा करके देख लेते हैं टू टू ज फोर टू एट ये तो वन सिक्सटी फोर आया इसके अलावा और कौन सा है जिसके स्क्वायर के लास्ट में फोर आता है एट एट जिक्सटी फोर होता है सो ये लिया हमने एट और साथ में मल्टीप्लाई करती है 8 एट एट सो एट एट जिक्सटी फोर सिक्सटी फोर एट एट जिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव से नाइन सेवनटी तो ये आ गया सेवन जीरो फोर सो यहाँ पे किया हमने एट से इसको भी किया एट से आ गया सेवन जीरो फोर सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ गया हाफ इन क्योंकि साइड है नेगेटिव तो होगा नहीं तो ये आ गया फोर्टी एट अब इसको कट करो टू से ही आ जाएगा टू फोर सो so, हमारे पास आ गया एरिया ट्वेंटी फोर मीटर वीटर कुछ दे रखा था यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था तो बस ट्वेंटी फोर ही लिख दो यूनिट स्क्वायर जो भी है ठीक है सो दिस वॉज देंथ क्वेश्चन एंड दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सो ये एक्सरसाइज होती है कम्प्लीट आई होप पहली एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ पे सेक्शन फार्मूला एंड हमारा मिड पॉइंट फार्मूला सब आपको अच्छे से क्वेश्चन करने आ गए होंगे अभी हम एनसीआर टी में जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे बट इन दी नेक्स्ट सेशन सो आल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो बाय फनाव